ओ तेरी पूरे में चीटी हो जाएंगी, मम्मी बताएंगे। गरम पानी डालते तो जल्दी हो जाता है। आटे की खुरमी, ओट्स की, ओट्स और आटा मिला के दोनों चीज। हाँ। ये गया इसमें रवा, बहुत ज्यादा गर्म है, कुछ गर्म है। और ये डल गया इसमें ओट्स। फ्रेंड्स, अम्मी का डाइट रहता है ना, तो कुछ हेल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो वो कभी कभार ऐसे जब उनका बहुत कुछ मन करे मीठा खाने का तो वो खा सके। मैं भी ट्राई कर रही हूँ, पहली बार देखते हैं कैसा बनता है। और इसमें थोड़ा सा तो घी अम्मी बनता है। अच्छा फ्रेंड्स, घी के बारे में ना हमेशा डबल बातें होती है। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा घी अच्छा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए। मना किया था, मना किया था कि घी से बहुत मोटापा होता है। तो फिर मैंने तो डाल दिया, अभी एक ही खाया ना। हाँ, थोड़ा ही मेरा गुड़ वाला पानी, ये तो मेरा आइडिया था। देखते तुम्हारा आइडिया कितना काम। क्यों, शक्कर से तो अच्छा ही है। मैं डाल रहा हूँ मैं गुड़ वाला पानी। इसमें सितुआ घोरो, गुड़ में। हाँ, इसमें रखा है ना ये, ऐसा हमारे पापा खाते गए थे गुड़ में। हाँ, गुड़ में। हाँ, गुंदी का तुम डालो, पूरा पानी डालो। चिपक रहा है ये, तो गुंदी नहीं रहा अच्छे से। गूंदो उसको, पता नहीं क्या बना दिया, वो गूंद ही नहीं रहा है। नहीं, ये बन भी पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, अभी लग तो नहीं लगे, बन जाएंगे। ये कड़क हो रहा है बहुत। एक बजे ओट्स की बिस्किट बना रही है। आज वैसे ध्यान भी नहीं थे, हम लोग भी बोर हो रहे थे, नींद भी नहीं आ रही थी अम्मी के लिए। दो तीन दिन से बनाने की बात भी चल रही थी, हमने कहा चलो आज ही बनाते। फिर दिन में ना कुछ काम में बिजी हो जाते। मेहनत तो कर रही बेचारे। जलाते हैं गैस, क्या करूं? ऐसे बना रही, गोल गोल ऐसे। हाँ, जैसे कबाब बनाती है। सनी सबसे मेहनत का काम करते हुए बना रही बिस्किट ओट्स के। अब ये इतने बना लिए ऐसे, और चलो इनको फ्राई करके देखते हैं। अच्छे लग रहे हैं। पहली घान के सही है यार। अच्छे बन जाए, ऐसे बन जाए कि खाने लायक हो। अच्छे दिख रहे हैं और अच्छे खुशबू भी अच्छी है। खाने लायक नहीं होंगे तो क्या करना, क्या उनको फिर। हाँ, ऐसे नहीं हो कि बिल्कुल उसका टेस्ट कुछ अतरंगी हो जो खाया भी ना जाए। और गुड़ अमृत तो चाहिए ना। मीठा करना हो तो शक्कर डाल देते, कुछ भी डाल दो। यही तुम्हारी कला है तुम्हारे हाथ की, कि मीठा भी नहीं हो और हम टेस्टी भी नहीं। फिर और नमक डाल देना चाहिए था। बेसन का बना देंगे, बेसन तो हेल्दी होता है। बेसन की पपड़िया, बेसन बताया आपको खाने को। क्या बोला, रोटी में बेसन मिला के। हाँ, तो फिर बेसन का ही बना देते हैं। किसी ला बताया था एक दिन नहीं खाया पूरे महीना में। क्यों नहीं खाया, कल ही बना लेना। हाँ। फ्रेंड्स, मैं फ्राई कर रही थी, थोड़ा सा आटा बचा था तो मैंने सनी से कहा, सनी प्लीज मैं तुम थोड़ा सा गुड़ का पानी और मिला दो ताकि और मीठा हो जाए। तो इसने देखो क्या किया, मैं आपको दिखाती हूं। ये पानी क्या किया, मुझे क्या पता। मेरा ध्यान करो, जब तुम कोफ्ता बना ही रहे हो ना तो उठा के रख दो फ्रिज में, सुबह मसाला पीसेंगे फिर डाल देना। हम भले एक कप डाल तल के देख लेंगे, एक बार तल, एक बार मैंने कच्चा रहेगा। सनी खेल नहीं करो, लाओ हमें दो, अभी तो बहुत जरूर है। दो सनी, इतना गीला कौन करता है। अगर हमने कभी बनाया हो तो हमें अंदाजा हो, जो हमने भाया भर दिया उसने गीला करना था। हम भी खजुरिया बना रही है, कुछ तो बनेगा। बन तो गए हैं, ये अम्मी ने खजुरिया बनाई है और ये मेरे वो बिस्किट, अम्मी को चखाएंगे खाने लायक है अभी नहीं। चख के बताओ। अम्मी सही सही बताने की है और इज्जत भी रखने की है। सोंदे हैं, अच्छे हैं, मीठे बस कम हैं। मीठ के वजह से रोटी की नहीं लग। तो ये बताओ खाओगे कि नहीं। कच्चे तो हैं अभी, कच्चे नहीं है, इतनी देर पकाए हैं। अच्छा अब ये देखती हूँ, बाद में और मीठा किया था। ये थोड़ा सा ही है, ये सही है। अब तुम इतना खा के देखो, ये देखो फिर वो भी देखा। बाकी टाइम खाने लग तो है, खजूरिया है ना, ये अच्छी लगेगी चाय में। अच्छे हैं, नुकसान नहीं करेंगे, फायदा करेंगे। हाँ। अच्छी है, मीठे नहीं है बस। बिस्किट में क्या पता, बोल देते हैं शुगर फ्री, पता नहीं कितनी शक्कर हो, क्या हो, मैदा रहता है। तुम्हारी मेहनत हो, सो आप ही खा तो लोगी अम्मी। हाँ खा लेंगे ना, रोज एक चाय में खाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, फर्स्ट टाइम जैसे बहुत अच्छे अल्लाह का सब अच्छे हैं, सच में अच्छे हैं, नुकसान बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, सोंधापन आ रहा है। हाँ, खाने में अच्छे चाय में अच्छे लगेंगे। ओट्स है, रवा है, वैसे अच्छा गुड़ है, मोदा का बटी वाला।
ताजा बिल्कुल, मतलब देसी वाला अच्छे बनाया था। मन छोटा ना करो मायूस, भूख लगेगी ना आपको, बहुत सुंदर लगेगी चाय के साथ, आपको बिल्कुल नुकसान नहीं, चाय के साथ खाएंगे ना, बनाने की बात लगे।